डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 3 × √7 / √2 − 5 × √5 / √2 + √7 + √2 + √7 + √5 = क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया हुआ है और उसमें तीन पद हैं, तीन टर्म हैं, और हमें यहाँ इसको सॉल्व करके देखना है कि इसका मान क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं समीकरण लिख लेता हूँ, तो यह आ जाएगा 3 × √7 / √2 − 5 × √5 / √2 + √7 + 2 × √2 / √7 + √5। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको डायरेक्टली देख जोड़ना चाहूँ तो देखिए क्या मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का होगा कि सबसे पहले मैं रेशनलाइजेशन कर दूँ, यानी कि संयुग्मीकरण कर दूँ। तो देखिए, तीनों ही टर्म में मैं संयुग्मीकरण कर देता हूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, तो ये वैल्यूज़ मेरी क्या आ जाएंगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए, 3 × √7 / √5 + √2 × ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो रेशनलाइजेशन करेंगे यानी, तो यहाँ पे क्या आएगा, √5 − √2, और इसी का गुणा होगा हर में भी, यानी कि √5 − √2 का गुणा अंश और हर दोनों में कर दिया पहले पद के लिए। दूसरे टर्म में क्या होगा, 5 × √5 / √2 + √7, यहाँ पे √2 − √7 का गुणा होगा अंश और हर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे विपरीत साइन आएगा, +2 × √2 / √7 + √5, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, √7 − √5 / √7 − √5 का गुणा होगा, ठीक है, देखिए इस तरीके से। और अगली लाइन यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखिए आपने यहाँ पे देखेंगे तो हर में a + b और a - b आ रहा है, तीनों ही पदों में a + b, a - b, a + b, a - b, तो कभी भी a + b × a - b अगर लिखा होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², ठीक है। अब देखिए, a² - b² लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, पहले टर्म के लिए देखिए, तो 3 × √7 × √5 − √2 / ये क्या आ जाएगा, √5² − √2, यानी कि √5² 5 और √2 क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, −5√5 × √2 − √7 / ये हर में क्या आ जाएगा, √2 यानी कि 2 और √7 यानी कि −7 आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अब तीसरा टर्म में क्या आएगा, 2 × √2 × √7 − √5 / √7 / 7, ठीक है, और −b² √5 / √5 क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ से इसको अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। तो देखिए, ऊपर भी 3 है और अंश में भी 3 है और हर में भी 3 है, तो यहाँ से मैं ये 3 और 5 − 2 से जो 3 आएगा इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये 5 है और यहाँ पे क्या आएगा, 2 − 7, यानी कि इससे भी क्या आएगा, −5 आएगा। देखिए, हम लिख लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा √7 × √5 − √2 − 5 × √5 / √2 − √7 / ये क्या आएगा, −5। तो देखिए, 5 से 5 कट गया और ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा, देखिए, 2 × √2 × √7 − √5 / ये 7 − 5 करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 से 2 ये कट गया, ठीक है। अब अगली लाइन यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, देखिए, तो ये आ जाएगा √7 × √5 यानी कि √35 − √7 × √2 यानी कि −14। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, −−+ हो जाएगा, प्लस लिख लिया हमने, और √5 का गुणा होगा √2 में, तो ये कितना आ जाएगा, √10,
और यहाँ पे अब रूट पाँच का गुणा होगा रूट सात में, तो ये आ जाएगा रूट पैंतीस, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और यहाँ पे ये माइनस रहेगा तो ये आएगा माइनस रूट पैंतीस प्लस, ये देखिए ये क्या आएगा रूट दो का गुणा होगा रूट सात से, यानी कि आ गया रूट चौदह, और रूट दो का गुणा होगा रूट पाँच से, तो ये कितना आएगा माइनस रूट दस, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब देखिए कौन कौन सी वैल्यूज कट रही हैं, तो अगर मैं रूट पैंतीस और माइनस रूट पैंतीस को कट कर सकता हूँ, माइनस रूट चौदह और प्लस रूट चौदह को कट कर सकता हूँ, प्लस रूट दस और माइनस रूट दस को भी कट कर सकता हूँ, तो यहाँ से ये मेरा आंसर क्या आ गया जीरो, तो जीरो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर है। थैंक यू। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।